हेलो फ्रेंड्स, तो आज हमारे पास एक एमआई का फ़ोन है, रेडमी 5 है। अगर आपके पास एमआई का कोई भी फ़ोन है, अगर आप उसको रीसेट कर रहे हैं तो आपको एरर आ रहा है। जैसा कि आपको मैं पूरा दिखाता हूँ कैसे वो एरर आता है। तो आप जैसे आप इसको रीसेट करते हो तो पहले बैकअप माई डाटा हम ऑफ़ कर लेंगे, ठीक है। तो पहले हमें बैकअप माई डाटा को ऑफ़ कर लेना है, जो कि मैंने पहले आपको ऑफ़ कर दिया, ये ऑफ़ कर लेना है, ठीक है। अब सेकंड में हमें क्या करना है, फैक्ट्री डाटा रीसेट। जब हम फ़ोन को रीसेट करते हैं तो यहाँ पे एरर आता है, जैसे मेरा फ़ोन लॉक है, जो मैं भी फ़ोन लॉक डाल लेता हूँ, ठीक है। तो फ़ोन लॉक डालने के बाद जब हम इसे नेक्स्ट करते हैं तो यहाँ पे देखिए सेटिंग है स्टॉप्ड, यहाँ से आपका फ़ोन रीसेट नहीं होता है, ठीक है। तो आज हम आपको ये बताएंगे ये प्रॉब्लम कैसे सोल्व होगा, बहुत ही ईजी तरीका से। तो चलिए आप पहले फ़ोन को हम कर लेते हैं शट डाउन, ठीक है। अब हमें क्या करना, सिंपली फ़ोन जब ऑफ हो जाएगा तो उसके जस्ट 1-2 सेकंड वेट करना है, फिर वॉल्यूम अप बटन पहले प्रेस करना है, ठीक है। वॉल्यूम अप पहले दबाएंगे और फिर पावर बटन प्रेस करेंगे, ठीक है। तो जैसे ही एमआई का लोगो आएगा फिर हम पावर बटन छोड़ देंगे और वॉल्यूम को वैसे प्रेस हम किए रहेंगे, ठीक है। तो ये हमारा फ़ोन रिकवरी मोड में चला जाएगा। तो देखेंगे हमारा फ़ोन रिकवरी मोड में आ गया, ठीक है। तो हमें यहाँ पे क्या करना है, वाइप डेटा पे जाना है, वॉल्यूम डाउन या फिर वॉल्यूम अप दबा के किसी से भी आप ऊपर नीचे कर सकते हो, ठीक है। तो वाइप डाटा सिंपल करेंगे, जो हमारा सेकंड में वाइप डेटा करेंगे, फिर वाइप ऑल डाटा, फिर पावर बटन प्रेस करेंगे, फिर नीचे आएंगे कन्फर्म करके वही पावर बटन से इसको कन्फर्म कर देंगे, ठीक है। तो ये हमारा फ़ोन अब रीसेट हो गया, ठीक है। फिर पावर बटन डाब के मेन मेनू में आएंगे, ठीक है। फिर सिंपली यहाँ से रिबूट टू सिस्टम कर देंगे, ठीक है। अब ये हमारा फ़ोन ऑन होने में मिनिमम 5 से 7 मिनट्स लग सकता है, ठीक है। तो हम क्या करेंगे, आप वीडियो को थोड़ा सा फास्ट कर देंगे। अगर आप मेरे चैनल पे नए हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब करें और वीडियो को लाइक करें। और अगर आपका वीडियो ये सही अगर आपका ये वीडियो देखने के बाद आपका फ़ोन सही हो जाता है तो वीडियो को शेयर भी करें। ये ऑल एमआई का फ़ोन पे काम करता है, एमआई का कोई भी मॉडल हो, अगर इस टाइप का एरर आता है रीसेट करने में तो आप इसे कर सकते हो। तो चलिए वीडियो को थोड़ा सा फास्ट करके स्पीड कर देता हूँ। तो हमारा फ़ोन अभी बिल्कुल कम्प्लीटली ऑन हो गया है, ठीक है। रीसेट हमारा फ़ोन हो चुका है। तो यहाँ से हम नेक्स्ट आगे जाएंगे। तो कुछ प्रॉब्लम की वजह से ये वीडियो पूरा शूट नहीं हो पाया था। लास्ट में जब इसको फुल सेटअप करना था तो वहाँ पे इसका स्टोरेज फुल होने के कारण ये वीडियो पूरा शूट नहीं कर पाया। तो अगर आपको पूरा सेटअप करने में प्रॉब्लम हो तो डिस्क्रिप्शन में मैं एक वीडियो का लिंक दे दिया हूँ, उसमें आपको पूरा सेटअप है कैसे कैसे होगा, सो आप वो वीडियो भी देख लो अगर आपको यहाँ से आगे नहीं करने आ रहा। तो ये स्टोरेज फुल होने के कारण मैं पूरा शूट नहीं कर पाया था। तो चलिए इस वीडियो में जहाँ तक हो पाया वहाँ तक आपको मैं बता देता हूँ, फिर तो आप इजीली कर लोगे, वीडियो देखने की कोई ज़रूरत ही नहीं होगी, ठीक है। तो यहाँ से जैसे हम आगे नेक्स्ट जाते हैं तो यहाँ पे एक हमारा सेटिंग आने के बाद में वाईफाई से कनेक्ट करने बोले। अगर आपने सिम कार्ड डाले हुए तो कोई दिक्कत नहीं, सिम में नेटवर्क रहना चाहिए। तो आपका फ़ोन यहाँ से नेक्स्ट आ गया। तो आपको डिस्क्रिप्शन में वीडियो मिल गया होगा तो आप वहाँ से